हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम सेमेस्टर सिक्स के बारे में बात करेंगे सेमेस्टर uh, फाइव में बहुत सारी गलतियां आपने की होगी सेमेस्टर फाइव के एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको अभी सेमेस्टर सिक्स में काम करना है ताकि वही गलती आप फिर से रिपीट ना करो तो उसके बारे में आज का डिस्कशन करेंगे एंड आज मैं आपको ओवरऑल सेमेस्टर सिक्स किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि ओवरऑल सेम फाइव में जो भी मिस्टेक्स आपने की है वो सारी मिस्टेक्स को ओवरकम करके सेमेस्टर सिक्स में हमें अच्छे से मार्क्स मिले अब एग्जैक्टली exactly अगर सेमेस्टर फाइव की बात करें तो सेमेस्टर फाइव में कुछ बच्चों को पेपर अच्छे गए कुछ पेपर बच्चों को पेपर थोड़े डिफिकल्ट गए हैं कुछ बच्चों को थियरी पेपर जो है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का वो पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ है एंड बाकी के बच्चों को किसी को अकाउंट्स का पेपर अकाउंट्स का थियोरी डिफिकल्ट गया है ऐसे बहुत सारे अपने अपने बेसिस पे आपके प्रॉब्लम्स है तो मुझे काफी सारे कमेंट्स मिल रहे थे तो अकॉर्डिंगली सेम फाइव में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आ, केटी ना लगे लेकिन अगर लगती है तो सेमेस्टर सिक्स के एग्जाम के बाद सेमेस्टर फाइव का जो एडिशनल एग्जाम होगा एटीकेटी का वो आपके पास एक ऑपॉर्चुनिटी बन सकती है लेकिन सेमेस्टर सिक्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है उसका भी एटीकेटी होता है लेकिन वो अगले साल जाएगा इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रिपरेशन करना है एंड अभी स्टूडेंट का साइकोलॉजी या स्टूडेंट के माइंड में ऐसा है कि बेसिकली अब जो हमारा टीवाई बी कॉम सेम का फाइव का एग्जाम हुआ है तो अभी रिजल्ट लगेगा अभी अभी हम आ, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें क्या क्या पढ़े ओवरऑल तो कॉलेजेस में भी अभी सब डेज इवेंट्स स्पोर्ट्स ये सारी चीजें चल रही है बट मी रिमाइंड यू दैट दिस डिसम्बर विल बी एन एंजॉयमेंट मंथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट कॉलेजेस तो हर एक बच्चे के लिए दिसंबर मंथ एंजॉयमेंट है लेकिन आप कहीं ना कहीं एक चीज इसमें भूल रहे हैं कि सेमिस्टर सिक्स का जो एग्जाम होगा वो आइदर मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है तो अगर हम दिसंबर का फुल मंथ एंजॉयमेंट में ही दे देंगे तो फिर आपको ये पूरा का पूरा जो थर्टी वन डेज का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में जो डिसंबर का मंथ है वो आपका वेस्ट हो जाएगा बिकॉज जनवरी uh, से आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करते भी हो तो जनवरी फेब्रुवरी फेब्रुवरी हमें पहले से ही पता है कि फेब्रुवरी इज ऑलरेडी लेस ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डेज आते हैं उसमें लेकिन ओवरऑल uh, आपको किस तरीके से प्रिपेरेशन करना है सारी चीजें बताऊंगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो जस्ट एक सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऐड कर ले और टेलीग्राम चैनल है Uh, उसको ज्वाइन करके रखें ताकि uh, सभी जगह पे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल पाए बिकॉज बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे नहीं मिलते हैं दैट इज जस्ट फॉर यूर बेनिफिट तो अगर हम सेमेस्टर सिक्स की बात करें तो सेमेस्टर सिक्स में भी आपके पास uh, सारे सब्जेक्ट जो है वो सेम है वी हैव टू थियरी सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स है और मार्केटिंग का सब्जेक्ट अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा विच इज कॉल्ड एस एच आर एम देन आपके पास जो बाकी के आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट है अभी अकाउंट्स का सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स का सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग ये दो आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट हो जाएंगे और दो आपके अपलाइड कंपोनेंट्स होंगे वो हर एक कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट है अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की बात करें तो वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स इन दिस सेमेस्टर सिक्स विच इज कॉल्ड एस जीएसटी पूरा और आपको कंप्यूटर का एक पार्ट उसमें मिल जाएगा मतलब कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन जो आपके सेम फाइव में भी था और टैक्सेशन बहुत सारे बच्चे इसमें फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग ई व्यवसाय परचेजिंग स्टोर कीपिंग एज वेल एज मार्केटिंग रिसर्च ऐसे आपके इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जो है वो होते हैं तो अगर हम ओवरऑल सेम सिक्स की बात करें तो सेम सिक्स में आपको शुरू कैसे करना है मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि यू डोंट एंजॉय द डेज विच आर हैपनिंग इन योर कॉलेज यू ऑल शुड एंजॉय दैट बिकॉज आप सभी का लास्ट ईयर है सारी चीजें आप एंजॉय करें सब कुछ करें लेकिन हर एक दिन का एक एक घंटा या एक एक आर या दो दो आर जैसे आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आपके स्टडीज के लिए देना और अगर हम इस सेमेस्टर में अच्छा तभीफॉर्म कर, कर पाएंगे जब हमने हमारी सेम फाइव में जो जो गलतियां हुई है उस गलतियों को पहले आपको नोट डाउन करके उसको एनालाइज करना है अगर आप वही गलतियां फिर से रिपीट करोगे सेम सिक्स में तो यूल फेस द सेम प्रॉब्लम इन दिस सेमेस्टर सिक्स ऑल्सो तो दैट इज द रीजन वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज की वॉट प्रॉब्लम फाइव बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो गया कि बहुत से लोगों ने इकोनॉमिक्स है या मार्केटिंग है जितनी सारी चीजें पड़ी थी और जितनी सारी चीजें उन्होंने ऑप्शंस में रखी है ऑप्शन में रखी है वही वो, वो पेपर में एग्जाम में आ गई है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये सारी चीजें हुई है तो उसके ऊपर हम काम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा टाइमली बेसिस पे तो सबसे पहले आपको करना क्या है अभी देखो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है डिसम्बर एंजॉयमेंट भी है और एंजॉयमेंट है तो हम पढ़ाई पे थोड़ा सा आ, कम ध्यान देते हैं लेकिन जितना भी आप ध्यान दोगे उसमें मैं आपको सिंपल सब्जेक्ट बता रहा हूं तो सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले कॉस्टिंग को शुरू करना है और कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट करना है मार्जिनल कॉस्टिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग कॉलेज में पढ़ाया है कि नहीं है वो सब डिफरेंट फैक्टर्स है आजकल आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं अवेलेबल नेट पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे बाकी के भी सारे चैनल पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे आपको एक प्ले मिलेगी कॉस्टिंग की उसमें आप जाइए मार्जिनल कॉस्टिंग का वीडियो बहुत सारे सीरीज मैंने ऐड करके रखे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे लेक्चर वाइज उसमें हमने डाले हैं तो वो भी एक बार चेक करें उससे आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आज तक लेवल्स पूछे जाते हैं वो सारे का आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा तो पहला टॉपिक आपको शुरू करना है मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा टॉपिक उसके बाद जैसे ही आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगा उसके बाद आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ना है ये दो चैप्टर्स को पहले आप कंप्लीट कीजिए कंप्लीट करने के बाद में फिर से आपको मिलूंगा और उसमें हम फिर आगे के हमारे रोड मैप को डिस, डिस्कस करेंगे कि आगे आगे हमें किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है किस तरीके से हमको थियोरी में टाइम देना है किस तरीके से हमको बाकी की सारी चीजों को मैनेज करके हमारी पढ़ाई मैनेज करनी है बिकॉज नावेडे स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट अभी तो एग्जाम खत्म हुआ अभी फिर इसे पढ़ाई करने को कह रहे हैं वॉट टू डू हम एंजॉय करेंगे फिर देखेंगे कुछ लोग तो कहेंगे हम रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे कितने में पास होता है कितने में फेल होता है देन आई विल डिसाइड बट डोंट डू दिस

सिक्स में जो आपको सबसे पहले चीजें को पढ़ना है दैट इज कॉस्टिंग का टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा जितने वीडियोज सारे देख लेना उससे सारे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो और मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हैं और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज भी आपको मिलने वाले हैं बिकॉज आजकल का जमाना शॉर्ट्स का है बड़ा वीडियो डालेंगे तो देखना बच्चे पसंद नहीं करते काफी अच्छी तरीके से चल रहे थे तो दैट इज अ पॉइंट दैट्स इट फ्रॉम टूडे पार्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने टी वाई बी कॉम के जितने भी फ्रेंड्स है उसमें शेयर करें ताकि आने वाले सेमेस्टर सिक्स में बहुत सारे बच्चों को इस चैनल की वजह से बेनिफिट मिले वो अपने करियर में आगे बढ़े अच्छा परसेंटेज लाए